अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान इलाही। आज का हमारा इंग्लिश का टॉपिक किसी क्लास के लिए नहीं है, आठवीं नौवीं दसवीं किसी के लिए भी नहीं, ना ग्यारहवीं बारहवीं के लिए, बल्कि आज का लेक्चर हर उस शख्स के लिए है जो टेंस सीखना चाहता है, हर उस बच्चे के लिए है जो टेंस सीखने में प्रॉब्लम का शिकार है, मसले का शिकार है। टेंस का लफ्जी मानी होता है तनाव या खिंचाव। शायद इसीलिए ही लोग जो है वो टेंस को लेकर तनाव और खिंचाव और टेंशन का शिकार रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर इसका मीनिंग ही इसी तरह से छुपा हुआ है। लेकिन टेंस सीखने से पहले हमें एक और चीज सीखनी है, वो है प्री सेंटेंसेस। ये आपके लिए एक नई टर्म होगी, एक नया लफ्ज। यानी टेंस सीखने से पहले हमें क्या सीखना चाहिए, प्री का मतलब है पहले, यानी टेंसेस से पहले हमें क्या सीखना चाहिए। टेंस आप जानते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीन होते हैं, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन अगर आप हर एक के लिए तो हर एक के साथ साथ जाएं, उनको चुनने की कोशिश करें, तो हर एक में आगे चार हिस्से होते हैं, यानी सिंपल या फिर इसको इंडेफिनिट भी कहते हैं, कंटिन्यूस, परफेक्ट और पहले दोनों को मिला के परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह से हम इसे यूं पढ़ते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से प्रेजेंट के साथ भी इसे ऐसे ही पढ़ेंगे, यानी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से फ्यूचर के साथ भी, अगर हम इनकी कुल तादाद देखें तो 12 है। लेकिन 12 के 12 टेंस में से जो एक चीज कॉमन है वो है वर्ब। यानी फेल, यानी काम। हर एक टेंस में, 12 के 12 टेंसेस में आप वर्ब की हालत को मुख्तलिफ हालतों में ले जाकर वर्ब को इस्तेमाल करते हैं, फिर उसकी अगली हालत जो है वो बनती है। लेकिन क्या सारे ही सेंटेंस जो है वो वर्ब नीड करते हैं? क्या हर एक सेंटेंस को वर्ब की जरूरत होती है? मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूं, उन्हें एक नजर देख लीजिए। ही इज अ टीचर, और एक लाइन देखिए, यू आर आ स्टूडेंट। आई एम आ वर्कर। आपने इन तीनों सेंटेंसेस को अगर गौर करें तो इसमें भी वर्ब नहीं है, इसमें भी वर्ब नहीं है,
और इसमें भी वर्ब नहीं है। आगे चलिए, शी हैज ब्लू पेन, वी हैव बुक्स। अगर इन पर गौर करें तो इनमें भी कोई वर्ब नहीं है। अगर इनमें वर्ब नहीं है तो फिर इसका मतलब यह है कि ये 12 के 12 टेंस में काउंट नहीं किया जा सकते। आप किसी एक सेंटेंस को भी ये नहीं कह सकते कि ये फुलां टाइप का सेंटेंस है, ये इंडेफिनिट है, या किसी का कंटिन्यूस है, या किसी का परफेक्ट है, या परफेक्ट कंटिन्यूस है। आप इन पांचों में से किसी को कोई भी नाम नहीं दे सकते। अगर इन पांचों को कोई नाम नहीं दे सकते तो फिर और चलिए आगे जरा, ए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पे चले जाइए जरा। He was weak in English. They were poor. इन सेंटेंसेस में छठे और सातवें में इनमें तलाश करने की कोशिश करें कि वर्ब कहां है, कहीं भी नहीं है। जहां जहां जिस सेंटेंस में वर्ब होगा वो तो टेंसेस का हिस्सा होगा, लेकिन जहां जिन सेंटेंसेस में वर्ब मौजूद नहीं है वो प्री टेंसेस के हिस्से में आएगा। प्री टेंसेस क्या है? क्या हमें 12 टेंस जान लेने के बाद हम इंग्लिश पर ग्रिप कर लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जितनी मैंने मिसालें दी हैं आपके सामने हैं, इन सब को लेकर क्या आप ये कह सकते हैं कि ये किसी टेंस का हिस्सा है? चलें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इट इज 5 o'clock, 5 बजे हैं। इट वाज स्कूल यस्टरडे। या फिर देखिए, देयर आर 6 people या फिर there is a tree in our school। क्या इन सेंटेंसेस में कहीं कोई वर्ब नजर आ रहा है? जवाब है नहीं। अगर इन सेंटेंसेस में भी वर्ब नहीं है, इन सेंटेंसेस में भी वर्ब नहीं है, तो फिर ये सारे के सारे टेंस का हिस्सा नहीं है, टेंसेस का हिस्सा नहीं है। लिहाजा हमें टेंसेस सीखने से पहले सीखना है कि प्री टेंस क्या चीज है, प्री टेंसेस क्या चीज है। आज तक शायद कभी भी किसी ने इस टर्म को यूज ना किया हो और ना ही इस पर ख्याल किया हो जिस पर हम आज कर सकते हैं और आज कर रहे हैं। आपको अगर टेंसेस सीखने हैं तो उससे पहले आपको प्री टेंसेस को सीखना पड़ेगा ताकि आप टेंसेस को जान सकें। तो ये चंद मिसालों के जरिए से आपको सिर्फ बताया गया है कि जो टेंस से पीछे भी कुछ है, यानी टेंस तक पहुंचने के लिए हमें प्री टेंस की जरूरत पड़ती है। अगर हमें प्री टेंस की जरूरत है तो वो प्री टेंस
कौन कौन सी चीजें हैं, इन पर हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में जिक्र करेंगे। आज सिर्फ आपको लव्स प्री टेंस का तारुफ करवाया गया है। इंशाल्लाह आगे हम आपको बताएंगे कि प्री टेंस कौन कौन सी चीजें हैं और उनको हम किस तरह से यूज करते हैं, और फिर उसके बाद हम जो है वो अपने टेंसेस पर पहुंचेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।